नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाला चिकन। उसके लिए हम लोगों को चाहिए चिकन, सूखा नारियल, तिल, लहसुन, अदरक, हरा धनिया की पेस्ट, दही, लहसुन अदरक की पेस्ट, एक कटी प्याज, एक कटा टमाटर, हरा धनिया कटा हुआ, पुदीना, तेज पत्ता, एवरेस्ट का चिकन मसाला। चिकन को हम लोग दही, लहसुन अदरक की पेस्ट, हल्दी, नमक लगाकर मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन किया हुआ चिकन हम लोग आधे घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा रेस्ट होने के बाद चिकन का हम लोग एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें तेल डाल लेंगे। तेल अच्छी तरह गरम होने के बाद उसमें हम लोग तेज पत्ता डालेंगे। अब हम कटी हुई प्याज, डाल देंगे। कटी हुई एक कटी हुई प्याज हम लोगों को अभी डालना है इसमें। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भूनने के बाद हम लोग इसमें कटा हुआ टमाटर डाल के अच्छा फ्राई कर लेंगे। टमाटर अच्छा भूनने के बाद हम लोग इसमें मैरिनेशन किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन अच्छा फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग एवरेस्ट का गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग सूखे नारियल की पेस्ट डाल देंगे। सूखी नारियल की पेस्ट डालने के बाद हम लोगों को ये मसाला अच्छे से फ्राई करके लेना है, जब तक इसका तेल ना छूट जाए। ये चिकन हम लोगों को 5 मिनट ढक के पकाना है। ये अब ये मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को कटा हुआ पुदीना इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम लोग घर का बना हुआ लाल तीखा यूज़ कर लेंगे। लाल तीखा आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो।
अब आपको इसमें बॉईल किया हुआ पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद अच्छा सा बॉईल आने देना है। फिर गैस धीमा करके एक 10 मिनट के लिए पका देना है उसको। ये चिकन 20 मिनट बाद ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। चिकन मसाला अपना तेल छोड़ देगा। चिकन बना हुआ है कि आप लोगों को एक बार चेक करना है। 20-25 मिनट बाद ये बन जाता है। अब इस पर हरिया धनिया, कटा हुआ हरा धनिया डाल के सर्व कर लेना है। ये हम लोगों का बनके तैयार हो गया है ग्रेवी वाला चिकन। ये ग्रेवी वाला चिकन अब खाने के लिए तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिए आप एक बार।